हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। ये कहानी आज के टाइम से आगे की कहानी है, जहां पर हमें न्यू ऑलियंस शहर में एक डीलर को दिखाए जाते हैं, जो एक ग्रुप के पास में आते हैं जो गलत काम करते हैं, और वो उस ग्रुप को एक कैप्सूल दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कैप्सूल को खाने के बाद 5 मिनट के लिए सबके अंदर में एक सुपर पावर आ जाएंगे, लेकिन सबके पावर अलग अलग होंगे, और इसके बाद वो कैप्सूल वहां पर आने वाले सभी डीलर को दे देते हैं। दरअसल इस कैप्सूल को जानवर के डीएनए से बनाया गया है, और अब गलत लोगों के वो कैप्सूल आने के बाद वो उन कैप्सूल को खा लेते हैं और पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं, और इसी तरह से 6 साल बीत जाते हैं, और 6 साल के बाद हमें रॉबिन नाम के एक लड़की को दिखाई जाती है जिसके पास वो पावरफुल कैप्सूल है। दरअसल वो इन कैप्सूल को बेचना चाहती है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन वो जिन लोगों को कैप्सूल बेचने आए थे वो तीनों लड़का बड़ी चालाकी से रॉबिन के पास से उसकी बैग छीन लेते हैं। पर इससे पहले कि वो यहाँ से भागते, यहाँ पर फ्रैंक जाते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है। वो लड़कों से कहते हैं कि अगर तुमने कैप्सूल को खा लिए तो 5 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर पावर तो आ जाएंगे, लेकिन इन कैप्सूल के एक सच्चाई और भी है, इन्हें हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकते है। तो वो लड़का इस बात से डर जाते है और फ्रैंक उनसे कैप्सूल लेकर रॉबिन को अरेस्ट कर लेते है, लेकिन वो उसे छोड़ देते है क्योंकि वो रॉबिन को पहले से ही जानते है। उसे पता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, पर वो उसे कैप्सूल वापस नहीं करते है, बल्कि कैप्सूल के बदले में उसे अपनी बाइक दे देते हैं, जिसे पाकर रॉबिन बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूएस आर्मी के मेजर 8 को दिखाए जाते हैं, जिसे एक लड़के के बारे में पता चलता है जो कैप्सूल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और ये लड़का रॉबिन के फ्रेंड न्यूट होते हैं जो उसे कैप्सूल सप्लाई करते हैं। अब मेजर उसके घर में जाते हैं जो बहुत ही अजीब होते हैं, घर में हर जगह पर जलने की निशान होते हैं। मेजर उसके पास में जाकर उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन न्यूट उस कैप्सूल को खा लेते हैं जिसके बाद उसके पूरे शरीर में आग लग जाते हैं। अब वो मेजर को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। मेजर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उससे भागते भागते 5 मिनट होने वाला होता है, यानी कि अब नेट की पावर खत्म होने वाले है, इसलिए वो एक साथ में 3 कैप्सूल खा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मेजर को मारना चाहते हैं। मेजर अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी जैकेट को गीला करके उस पर हमला करके उसे बाथटब के अंदर में डुबो देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीलर के नाम जानना चाहता हूँ जो तुम्हें कैप्सूल सप्लाई करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नाम बताते, ज्यादा कैप्सूल खाने के वजह से वो ब्लास्ट हो जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट में मेजर तो बच जाते हैं, लेकिन न्यूट की मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन मेजर उसके मोबाइल अपने पास ही रख लेते हैं, और जब वो उसके मोबाइल को चेक करते हैं तो उसे डीलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी उस फोन में एक नंबर से मैसेज आते है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जो नंबर होते है रॉबिन के। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाए जाते हैं, जो एक बैंक के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बैंक के अंदर एक ऐसे आदमी है जो पूरे तरह से इनविजिबल है, जिसे देख पाना पूरे तरह से नामुमकिन है, और वो बैंक में चोरी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं होते, इसीलिए फ्रैंक अंदर जाने के लिए एक गोली खा लेते हैं और अपने वॉच में 5 मिनट का टाइम सेट करके अंदर चले जाते हैं। और हमें बैंक के अंदर में उस आदमी को दिखाए जाते हैं जिसके अंदर ऐसे पावर है जो किसी भी रंग के सामने जाकर उस रंग का हो जाते हैं, इसीलिए उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि इस आदमी ने भी उस कैप्सूल को खाए होते हैं। और वो बैंक से पैसे के बैग लेकर भागने लगते हैं। फ्रैंक उसके पीछे जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वो आदमी उससे दूर चले जाते हैं और उसे पुलिस का एक गन भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो फ्रैंक को गोली मार देते हैं। लेकिन फ्रैंक ने भी उस पावरफुल कैप्सूल को खाए थे, जिसके वजह से उसकी स्किन इतना ज्यादा हार्ड होते है कि उसे कोई भी चीज भेद नहीं कर सकते, इसलिए गोली लगने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो जिंदा रहते हैं। और ये बात दूसरे आदमी को पता नहीं होता है जो इनविजिबल है। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत बुरे तरह से पीटते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसके सीनियर ऑफिसर उसे बुलाकर कहते हैं कि मुझे अपना बैच और गन दे दो क्योंकि तुमने रूल्स को तोड़ा है। दरअसल फ्रैंक ने भी उस कैप्सूल को खाए थे जो रूल्स के खिलाफ है। फ्रैंक कहते हैं कि बिना उस पावर के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर हमें उन्हें पकड़ना है, उनका मुकाबला करना है, तो हमें उस कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी और मैं उन सबको शहर से खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको इसमें मेरा साथ देना चाहिए। उसके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि अगर तुम सच में इस चीज को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेजर को पकड़ना चाहिए, वही इन कैप्सूल के सबसे बड़ा सप्लायर है।
वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को दिखाई जाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त न्यूट से मिलने के लिए आती है, क्योंकि मेजर ने उसे मैसेज करके यहाँ पर बुलाए थे, पर न्यूट वहाँ पर नहीं होते है, इसलिए वो लौट कर जाने लगते है। तभी वहाँ पर मेजर आकर उसे पकड़ कर अपने गाड़ी में लेकर जाते है और उससे पूछते है कि तुम्हारे सप्लायर कौन है। रॉबिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद मेजर उसे बताते है कि तुम्हारे जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसे कुछ डीलर ने उठा के लेकर गया है और मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेजर की बात सुनकर रॉबिन उसे डीलर के पास ले जाती है जिसे वो कैप्सूल खरीदते है, लेकिन डीलर को रॉबिन के ऊपर शक हो जाते है, इसलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते है, पर मेजर उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते है और मेजर को यहाँ पर पता चलता है कि ये असली डीलर नहीं है बल्कि ये डीलर के लिए काम करते है। और इसके साथ में मेजर को पता चलता है कि कहाँ पर न्यू कैप्सूल के डील होने वाले है, और अब मेजर भी जख्मी हो चुका था, इसलिए रॉबिन से कहते है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रॉबिन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एक कैप्सूल डीलर को दिखाए जाते हैं जो सबको एक नया कैप्सूल दिखाते हैं और बताते हैं कि ये बर्फीले जगह पर रहने वाले जानवर के डीएनए से बनाया गया है और इसके पावर को चेक करने के लिए एक लड़की को कैप्सूल खिलाए जाते हैं, जिसके बाद उसे एक चेंबर के अंदर डालकर वहाँ के टेम्परेचर बढ़ाए जाते हैं और 500 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी उस लड़की को कुछ भी नहीं होते। और अब यहाँ पर मेजर भी आ जाते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था यहाँ पर न्यू कैप्सूल के डील होने वाले हैं और वहाँ पर रहने वाले सबके ऊपर में हमला कर देते हैं। पर इससे पहले वो डीलर को पकड़ते यहाँ पर फ्रैंका जाते हैं जो उस पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ही हो जो शहर में कैप्सूल सप्लाई करते हो, इसलिए तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और जब वो बातें कर रहा होता है तभी उस ड्रग डीलर को एक कैप्सूल खाने को मौका मिल जाते है और वो एक कैप्सूल को खा लेते हैं, जिसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल कर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फ्रैंक यहाँ पर बहुत सारे गैस सिलेंडर को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद ये तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं और मेजर गोली चलाकर उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उन मॉन्स्टर की मृत्यु हो जाते हैं। हालांकि ये तीनों बच जाते हैं, लेकिन अब फ्रैंक मेजर को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं जिसमें कुछ हाई सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। दरअसल जब भी किसी ऐसे इंसान की मृत्यु होते हैं जिसने कैप्सूल को खाए होते हैं तभी ये लोग आते हैं और उसके बॉडी को अपने साथ लेकर जाते हैं। इन लोगों को देखकर फ्रैंक को कुछ शक होते हैं कि ये लोग उन लोगों के साथ में मिले हुए हैं जो पूरे शहर में कैप्सूल को सप्लाई करते हैं। हालांकि फ्रैंक ने मेजर को गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए वो अपने सीनियर को इस बारे में बता देते हैं। पर मेजर फ्रैंक को बताते हैं कि वो लोग जो इस कैप्सूल को बनाते हैं वो जल्दी एक ऐसे कैप्सूल को बनाने वाले हैं जिसे खाने के बाद इंसान के अंदर हमेशा के लिए पावर आ जाएंगे और अपने पावर को एक्टिव करने के लिए कभी भी दोबारा से कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी पावर के लिए वो लोग मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहती है क्योंकि उसके डीएनए में कुछ खास है, इसलिए उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर फ्रैंक को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन उन लोगों का पीछा करते हुए एक शिप तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो उन सिक्योरिटी ऑफिसर को पहचान जाते हैं और अब फ्रैंक जानबूझकर मेजर को उन लोगों के हवाले कर देते हैं और अब तीनों के तीनों शिप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग होते हैं जो कैप्सूल का सप्लाई करते हैं। मेजर अपने आप को उन लोगों से गिरफ्तार करवा लेते हैं, जिसके बाद मेजर को शिप के अंदर में लाया जाता है। वहाँ पर फ्रैंक और रॉबिन भी चुपके से शिप के अंदर में आ जाते हैं और वो लोग शिप के उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर कैमरा होते हैं, जहाँ से पूरे शिप के दरवाजा को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए फ्रैंक मेजर को छुड़ाने के लिए जाते हैं और रॉबिन फ्रैंक को वहाँ से गाइड करते हैं। और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी के वो ऑफिसर भी होते हैं जो डीलर के लिए काम करते हैं और वो कैप्सूल खाने के बाद बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और वो उस रूम में आते हैं जहाँ पर रॉबिन होती है, पर उसके आने से पहले ही रॉबिन वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर मेजर की बेटी है। रॉबिन को यहाँ पर पता चलता है कि आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट के हिस्से मेजर भी थे। इस प्रोजेक्ट में सभी सोल्जर के ऊपर एक खास तरह की गैस छोड़ी गई थी जिससे उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। दरअसल गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रहा था, पर मेजर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। और कई सालों के बाद जब उसकी बेटी पैदा हुए और वो बड़ी हो गए तब साइंटिस्ट को पता चला कि उसके अंदर कुछ खास पावर है, इसलिए मेजर के ऊपर हमला करके उसके बेटी को किडनैप कर लिया ताकि उसके डीएनए पर रिसर्च करके और भी ज्यादा पावरफुल कैप्सूल को बनाया जा सके। दूसरी तरफ फ्रैंक मेजर तक पहुँच जाते हैं और वो दोनों मिलकर मेजर की बेटी को ढूंढने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद वो मिल जाते हैं और अब सबके सब यहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर डॉक्टर गेडेन आते हैं जो रॉबिन को पकड़ लेती है। दरअसल डॉक्टर गेडेन हेटे
है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाती है और अब रॉबिन के बदले में वो मेजर की बेटी की डिमांड करती है। और अब यहाँ पर डॉक्टर के ग्रेडन के लोगों ने मेजर को घेर लिया होता है, पर तभी मेजर एक कैप्सूल खाते है और इस कैप्सूल के खाने के बाद उसके बॉडी से हीट वेव निकलते है जिससे उसकी तरफ आने वाले हर एक गोली और उसके आसपास में रहने वाले सभी लोग जलना शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर के साथ में सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसमें मेजर का भी मृत्यु हो जाते हैं, पर तभी उसके बेटी उसके पास आते हैं। उसके पास खास पावर है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पिता को यानी कि मेजर को जिंदा कर देती है और अब वो चारों के चारों यहाँ से निकल जाते हैं। अब फ्रैंक को पता है कि इन सब के पीछे में गवर्नमेंट का हाथ है, इसलिए वो मीडिया के सामने में गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं। जबकि मेजर अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं और जाने से पहले वो रॉबिन को एक बैग देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं ताकि वो अपनी मॉम की इलाज करवा सके। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।